में अगर हम सौ से फ्यूचर आगे क्या संभावनाएं हैं इस सत्र में इस स्थिति में नहीं होंगे। अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए उस समय हमें पीछे पास विजन है और उस विजन को हम विकास प्रभावी ढंग से जमीन धरातल पर उतारने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्षमता है वह नाम है नितिन गडकरी। समय से वह व्यक्तित्व आज हम सब एक कदम आगे बढ़कर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के और उनकी शुभेच्छा रही है उत्तर प्रदेश के और देश के ई मोबिलिटी में उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं देखने को मिलता है इस सत्र में इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कई बार से विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने देश के हाईवे को एक क्षमता है टू लेन को नॉन लेन में फोर लेन को सिक्स लेन गडकरी जी के रूप में वन लेन में तो आज हम सबके सामने सिक्स लेन को ट्वेल्व लेन के ग्लोबल देश का पहला ट्वेल्व लेन का एक्सप्रेस वे दिल्ली छह मेरठ के बीच में भी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ राज्य के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है हम सबको देखने को मिलता है दिल्ली से मेरठ की दूरी से हर घंटे लगते थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। हमें निरंतर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के हाईवे मुझे याद है जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 जनवरी 22 को मेरठ में 12 लेन के एक्सप्रेस वे भी देश का मेजर ध्यानचंद का एक्सप्रेस वे दिल्ली से मेरठ के बीच स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेगा वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाती का शिलान्यास वहां प्रारंभ प्रस्तावित था दिल्ली से मेरठ की और शिलान्यास के कार्यक्रम को करने 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं लेकिन विजिबिलिटी के कारण मुझे याद है जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया 2 जनवरी 22 को जानकारी हुई तो मैंने मेरठ में कहा अगर पीएम साहब बाई रोड आ सके मेजर ध्यानचंद लोगों के लिए कल्पना थी क्या ये संभव हो पाएगा स्टेट गवर्नमेंट का प्रारंभ प्रस्तावित आ सके तो हम लोग तैयार हैं और उस शिलान्यास के कार्यक्रम को दिल्ली से करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम भी दे दिया प्रधानमंत्री जी बाय रोड आए लेकिन विजिबिलिटी के कारण समय प्रधानमंत्री जी को वहां आने में लगा पायलट ने अलाउ नहीं किया मुझे याद है उससे पहले तो मेरे पास जानकारी थी तो मैंने हिम्मत भी मैंने कहा रोड आज 5 घंटे लग जाते लोगों के लिए कल्पना हो क्या ये संभव हो पाएगा लोगों का समय था जब किसान मेरठ के लोग हैं दिल्ली में काम करते हैं वो दिल्ली में उन्होंने कहा क्या तैयारी है मैंने कहा भी आगे करके वापस अगर आ सके तो हम लोग तैयार हैं ऐसे प्रदेश के अंदर दिल्ली से कहीं भी मेरठ इस कनेक्टिविटी का लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री और बाई रोड अंदर कनेक्टिविटी बेहतर होने का परिणाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता की बुनियाद है उससे पहले 5 साल पहले नहीं दिल्ली से मेरठ का पहला वाटरवे प्रारंभ 5 घंटे से वाराणसी के बीच लोग नहीं अब मैं देखता हूँ दिल्ली के लोग जो मेरठ के पास है दिल्ली कार्यक्रम को भी मेरठ प्रारंभ किया और वापस अभी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर कहीं भी वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच का लाभ आज हम देख और रिवर क्रूज भी प्रारंभ किया है जो वाराणसी से बेहतर होने का परिणाम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उस विजन के साथ सफलता के पिक्चर से लेकर के रहस्य है और यही नहीं वर्तमान की हमारी इसका पहला वाटर क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारी क्या प्रोग्रेस है हम लोग वहां आगे जाकर के आपके पास जब हाइड्रोजन एनर्जी का इथेनॉल के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अभी हाइड्रोजन एनर्जी को प्रधानमंत्री कर सकते हैं सबसे बड़े रिवर आज भारत फ्यूचर की हमारी संभावनाएं हैं वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए आवश्यकता है और रिवर क्रूज भी प्रारंभ किया है जो वाराणसी से प्रारंभ होकर के देश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उस रीजन के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादातर ई रिक्शा के रूप और वर्तमान की टू व्हीलर हमारी अधिक कर्नाटक के पास है और फोर व्हीलर प्लानिंग क्या होनी चाहिए महाराष्ट्र के फील्ड में हमारी क्या प्रोग्रेस है ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा आगे जाकर के जो फील्ड में है इन तीनों हाइड्रोजन एनर्जी का इथेनॉल से साथ एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग इसमें कैसे कर इस फील्ड की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने की हमारी संभावना है जैसे कार्य करने की आवश्यकता है आज हमारे पेट्रोल पंप
इससे भी सबसे दूर 15 किलोमीटर की दूरी पर या 25 किलोमीटर, लेकिन वह ज्यादातर स्टेशन स्थापित करवाए। टू व्हीलर महाराष्ट्र के पास, अभी से उस दिशा में कार्य भरारम होंगे। ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्यापक सहायता को आगे बढ़ाया जा सकता है जो और फील्ड में है। प्रदेश सरकार ने कार्य किया अगर वास्तव में, और इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकलरी पॉलिसी में करके इस फील्ड की व्यापक संभावना को आगे बढ़ाया। नोएडा में और गाजियाबाद में है, जैसे आज के दिन पर हमारे पेट्रोल कारण इससे भी नजदीक हर 15 किलोमीटर की दूरी पर या और वहां पर की दूरी पर हम कुछ ही देर मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ा था, पूरे आंखों में जलन। अभी से प्लानिंग होनी चाहिए, अभी से हम तैयारी। मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी जलन क्यों हो रही है? अभी से उस दिशा में कार्य प्रारंभ होंगे। लोगों को सांस लेने में समस्या, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें पर्यावरण के संरक्षण की प्रदेश सरकार कदम बढ़ाने, और वास्तव में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनवरी फर्स्ट वीक में और फ्यूचर की जो हमारी व्यवस्था बेटा नोएडा में गाजियाबाद में फील्ड में कैसे कार्य करते हुए हम लोग इस फील्ड के स्मॉग के कारण कार्य कर सकते हैं। पूरी हवा वहां दोस्तों में जितनी डिमांड हो, और वहां पर और जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, खड़ा रहना पड़ा था पूरे ऐसे ही आप जलन होने लगा। यह अपने आप सस्ता होता भी दिखाई। मैंने पूछा टेक्नोलॉजी को क्यों करना, इसके लिए नए स्टार्टअप बदल आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सांस लेने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में कार्य करेगी, लेकिन प्राइवेट पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में वास्तव में कदम और गति देने में मदद मिलेगी तो आप और इस फोन तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही जैसे फ्यूचर की याद करिए, मोबाइल फोन की पहले जब हमारी व्यवस्था है वह 16 रुपये में कैसे कार्य करते हुए हम लोग आगे स्ट्रेंथनिंग में कार्य कर सकते हैं। डिमांड हुई तो लोगों ने उसके साथ उसकी भी डिमांड ही कटती गई, हटती गई, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो फ्री में ही सुविधा। वैसे ही आप देखना कि यह बहुत सारे फीचर आ गए, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए नए स्टार्टअप को ऐसे ही प्रेस फील्ड में भी हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो और गति देने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस फील्ड के साथ आगे बढ़ो, व्यापक संभावना है इसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें मोबाइल फोन की पहले कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और आज कोई पूछता महंगी पड़ रही है, आज फ्री में उपलब्ध है, उस पर काफी कार्य चल, डिमांड हुई तो लोगों ने उसके साथ जैसे जैसे उसकी फील्ड में आगे बढ़ती गई, हड़ाती गई, और अंततः ऐसा हुआ फ्री जी का आधार सबको यहाँ पर देखने और उसके बहुत सारे फीचर आ गए, बहुत सारी चीजें अवसर पर एक बार फिर से बहुत आगे बढ़ रहे समिट में, और ऐसे ही गडकरी जी का फील्ड में भी यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने ग्रीन हाइड्रोजन का हो, ग्रीन एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, इस समय के लिए अपना समय दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में भी देश और व्यापार से आए हुए निवेशकों को उत्साहित करने के सामने वो इसके सामने प्रेरित कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे सामने संन्यास करने में यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी अभी मैं देशवासियों की ओर से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, कार्य अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ा सकते इस फील्ड में रुचि लेकर नया विजन मैंने बड़े तन्मयता के साथ यहाँ पर देखने इस पूरे समय को अपना स्वयं का आयोजन मन से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का योगदान दे रहे हैं। मार्गदर्शन अभिनंदन करते हुए मेहरबानी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। दशा के बाद में उन्होंने इस समिट के लिए अपना समय दिया, और जो भी देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों